एक्चुअली वेलकम ऑन फीफा पूल सर। सना को बिग बॉस में देख के पहले तो आप कितना प्राउड फील कर रहे हैं? बेटा सना को देख के हम ही नहीं बल्कि हमारे रिलेशंस और उनको जानने वाले तो जहाँ जहाँ आए उन्होंने फोन किया हम लोगों को और बधाई दी और सब लोग ये सोच रहे हैं कि सना जो इस गेम में आगे जाएगी और जीत के भी आएगी। और कैसा लग रहा है उनको, उनका गेम कितना आप पसंद कर रहे हैं उनको देखना? सना का जो नेचर था पहले से डोमिनेटिंग, उसने कभी किसी का प्रेशर लिया नहीं। पहला आपका जो था सोचने समझने में उसका गया कि यहाँ किस तरह खेल रहा है, उसके बाद बेहतरीन तरीके से खेल रही है और तमाम बिग बॉस मोहल्ले के लोगों के साथ अच्छा रिलेशन रख रही है और उम्मीद करते हैं हम और हम सब विश भी करते हैं इसी तरह खेलती चली जाए आखिर तक पहुँच कर ट्रॉफी लिया। कुछ चेंजेस देखने, जैसे बाहर जैसी थी वो घर के अंदर कुछ चेंजेस आपको देखने मिला? नो चेंज, उसका नेचुरल बिहेवियर ही वैसा है, उसका नेचुरल बिहेवियर बिल्कुल उसी तरीके से। आज तक उसने किसी को बर्दाश्त नहीं किया न किसी को उसने कभी इरिटेट किया। शी इज सेल्फमेड और उसका बिहेवियर बिल्कुल क्लियर है और जो भी वो बिग बॉस होम में कर रही है वो नेचुरल है, उसके अंदर एक्टिंग जरा सा भी नहीं। उनकी बॉन्डिंग आपको किसके साथ अच्छी लग रही है? उसका रिलेशन सबके साथ अच्छा है, इसीलिए आप किसी एक आदमी को सिंगल आउट करेंगे वो सही नहीं है। आपको ऐसा घर में कौन लगता है जिनके साथ सना को मतलब उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, वो उनके गेम को इफेक्ट कर सकते हैं? मुझे लगता है कि कोई सना के साथ बहुत करीब हुई है बहुत दूर है, उनका रिलेशन सबके साथ अच्छा है। अच्छा, कोई सबसे ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन कौन लग सकता है सना के लिए? ये स्टेज के ऊपर नहीं बोल सकते, और 4-5 एपिसोड होने के बाद देखेंगे क्या, अभी तो सना सबसे बेहतर खेल रही है। पहले वीक में सना का गेम थोड़ा सा कम था, फिर सलमान खान ने थोड़ा सा डायरेक्शन दिया, उसके बाद उनका गेम बाहर आ रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो जानी मानी क्रिमिनल लॉयर है और जब किसी भी केस को लड़ना होता है तो उसको पढ़ना होता है, सोचना होता है। एक हफ्ता उसने इन तमाम लोगों के बारे में सोचा देखा और फिर डिसाइड किया कि मुझे इस तरह खेलना है। अचानक गई ये तमाम लोग अननोन थे उसके लिए, लोगों को अच्छी तरह से समझने के बाद उसने अपना गेम शुरू किया और 4 एपिसोड अच्छा हो गया। अब नाइसली शी इज प्लेइंग। ओके, सो जो समद की एंट्री थी तो उससे पूरे घर का जो घर के लोग थे उनको कहीं ना कहीं ओवर शैडो हो गए थे, इसमें सना भी ओवर शैडो हो थी, किसी का गेम नहीं दिख रहा था, सिर्फ वो तीनों का ही गेम दिखाया जा रहा था, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लगता है ऐसा नहीं, बिग बॉस मोहल्ले में जिस तरह जो होना चाहिए हो रहा है, अच्छे से हो रहा है और बिग बॉस जो है वो सबके लिए फायदेमंद भी है और सब लोग उनको मानते हैं, खुश रहते हैं उनके ऑर्डर के ऊपर, बिल्कुल यानी कि तैयार रहते हैं जो उनका हुकुम हो करना है। सना इस वीक नॉमिनेटेड है, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी 17 लोग हैं उसमें किसी न किसी को नॉमिनी होना ही है, तो एक बार X होगा फिर कभी Y होगा फिर कभी Z होगा, तो अगर कभी नॉमिनी हो भी जा रही है तो हमें उसका कोई परवाह नहीं। पब्लिक सपोर्ट उसके लिए है, पब्लिक वोट कर रही है, वो ना टीवी आर्टिस्ट है ना फिल्म आर्टिस्ट है, इसके बाद भी हिंदुस्तान से काफ़ी लोग उसको वोट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि वो अच्छे तरीके से फील होके बाहर आए। ओके सर, आपकी जब फैमिली को या फिर आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनको जब पता चला कि सना बिग बॉस में जा रहे तो उनका क्या कुछ रिएक्शन था? सब लोग खुश थे, बहुत खुश थे और बहुत खुश हैं, मुझे लगता है कि वोट भी दे रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि फ़ोन करके बार बार हमसे पूछते भी है इस सना के बारे में, तो एक अच्छी न्यूज़ है ये लोगों के लिए और लोग जो है सना का हौसला और हिम्मत पूरी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सो अंदर जाने से पहले आपने कुछ एडवाइस दी थी सना को? सना को एडवाइस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, एडवोकेट होने के नाते वो लोगों को एडवाइस करती है और क्रिमिनल लॉयर है, बहुत ऊंचे लेवल पर है, इसलिए उसको एडवाइस करने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत सोच समझ कर केस लड़ती है, उसी तरह बहुत सोच समझ कर इस हाउस में भी खेल रही है। घर में और दो कपल है, उनकी काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही है, काफ़ी झगड़े हो रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? अभी बिग बॉस ने वो ओपन किया था कि वो कपल जो है आपस में बात बिग बॉस में आने से पहले मिल गए थे और मिल के उन्होंने आपस में तय किया था कि हम लोग अंदर किस तरह खेलेंगे कि बाकी लोगों को आउट कर दिया जाए, हम लोग अंदर रहें, जो उनका बाहर तय हुआ है वो कर रहे हैं उसी तरह, इसलिए उसको कोई सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो उनकी प्लानिंग है ऐसा लग रहा है कि वो बिग बॉस के घर में काम आ रही है? मुझे नहीं लगता, ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या है कि लोगों को सामने ये आ भी गया कि ये जो है गेम खेल रहे हैं, बाहर से प्लानिंग करके आए
जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बिग बॉस के उसके खिलाफ है। और सना के अलावा आपको और किसका गेम अच्छा लग रहा है कोई और? अभी ये स्टेज के ऊपर मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्या होने वाला है और कौन अच्छा खेल रहा है, मुझे सना ही दिखती है कि अच्छा खेल रही है। एक मुनावर का भी बहुत नाम सामने आ रहा है कि वो मास्टरमाइंड टाइप से खेल रहे हैं, पर उनका कहीं ना कहीं गेम प्लान है कि वो बॉन्डिंग बना के खेलते हैं, जैसे लॉकअप में भी उनके साथ अंजलि थी, इसमें मनारा के साथ उनकी बॉन्डिंग है, उसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अरे मुनावर भी अपना गेम खेल रहे हैं जैसे दूसरे खेल रहे हैं, इससे ज़्यादा उनके बारे में क्या बोल सकते हैं। मुनावर ने अपने गेम के लिए माफ़ी मांग ली नेशनल टीवी पर सबके लिए, ऑडियंस को ये बात नहीं पसंद आ रही है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? उनको लगा होगा माफ़ी मांग रहे तो मांगी। और क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप सना के लिए? हाँ, सना के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह बेटा खेल रही हो खेलते रहो, मम्मी पापा और तुम्हारे सब रिलेशन तुम्हारे पीछे है, बिल्कुल ज़रा सा भी काउंट डाउन होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब आपके साथ हैं, डे नाइट हम आपके लिए काम कर रहे हैं, डे नाइट हम टीवी पर आपको देखते रहते हैं, हम आपको मिस नहीं कर रहे बल्कि टेलीविजन पर खोल के दिन में रात में दोपहर को जब तबीयत में आता है हम आपको देखते हैं, बहुत ही खुश हैं हम। ओके, सना के फैंस को क्या कुछ कहना चाहिए? सना के फैंस से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम फैंस उनके लिए खुश हैं, उनके लिए वोटिंग करते हैं, फिर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी सना पे की वोटिंग की ज़रूरत पड़े आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उनको वोट दीजिए ताकि आपके वोटों पर वो आगे बढ़े और बिग बॉस ट्रॉफी को ले आए। थैंक यू सो मच सर।